चलो आज बात करते हैं, क्या पोर्नोग्राफी, पोर्न एडिक्शन या पोर्न देखना अच्छा या बुरा है, उसके बारे में अधिक चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पोर्न को देखना, ये आपको बताऊंगा कि कोविड काल में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब कम से कम 11% लोग ज्यादा उसमें घुस गए थे पोर्न देखने में, टाइम पास करना, घर में रहते थे, फिर बहुत ज़्यादा YouTube, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा अलग अलग गेम्स, उसके साथ साथ पोर्न भी। 11% राइज हुआ था तब पोर्न देखने वालों का। पोर्न का क्या है कि पोर्न इजीली एक्सेसिबल है अपने फ़ोन के ऊपर, फ्री में मिलती है वीडियोस, और वो देखो और मजा करो, इसलिए लोग देखते रहते हैं और धीरे धीरे उसके एडिक्ट हो जाते हैं। अच्छा, पोर्न लोग क्यों देखते हैं? पोर्न इसलिए देखते हैं कि एक तो लोगों को उत्सुकता रहती है कि क्या है भाई सेक्स, तो किसी का सेक्स करते हुए देखा तो लोगों को समझ में आता है कि सेक्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उत्सुकता है। नंबर दो, एक सेक्सुअल इच्छा जागरूक करने के लिए, सेक्स की इच्छा जागरूक करने के लिए लोग पोर्न देखते हैं। पोर्न देखते हैं तो उनको इरेक्शन आ जाता है, उत्सुकता आती है, एक्साइटमेंट आती है, इसलिए पोर्न देखते हैं और बाद में सेक्स करते लोग। नंबर तीन, कुछ एनाटॉमी सीखना है, लर्निंग करना है कि भाई सेक्सुअल पार्ट क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए लोग पोर्न देखते रहते हैं। क्या है कि सेक्स एजुकेशन बहुत लिमिटेड है हमारे यहाँ। अभी मेरा चैनल है करके लोगों को मालूम है कि सेक्स बीमारियाँ क्या होती है, उसके बारे में हम एजुकेट करते रहते हैं, अदरवाइज लोगों का सेक्स एजुकेशन नहीं है, फिर लोग कहाँ से एजुकेट करेंगे खुद को? एक तो किताबें जो मिलती है रास्ते के ऊपर वो, या फिर ऐसे ही पोर्न, या फिर नॉन मेडिकल जो वीडियोज है वो देखो कि जिसमें बोला जाता है कि नहीं नहीं हस्तमैथुन तू नहीं महापाप है, ऐसी वीडियो देख के तो लोग ऐसे सीखते रहते हैं। क्या पोर्न देखना अच्छा है या बुरा है? नहीं, अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, क्या उसमें है? उल्टी हम अच्छी बातें देखें, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी बातें क्या है पोर्न देखने में। नंबर एक, सेक्स के तरफ आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा कि ठीक है वैसे ऐसा ऐसा करते उसके बारे में जानकारी होंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार हो जाएगा। नंबर दो, कि भाई कुछ नया सीखेंगे और वो हम सीखेंगे नया सेक्स कैसा करना है, तो और नया सीख कर पत्नी के साथ में करेंगे तो दोनों एंजॉय करेंगे, मुझे भी मजा आएगा, पत्नी को भी मजा आएगा, और उनको लगता है कि भाई समाधान मैं अच्छा कर सकूंगा। नंबर तीन, लोगों का पोर्न देखने के बाद में जब लोग सेक्स करते हैं तो लोगों का ऐसा रिपोर्ट है कि लोगों को अधिक समाधान मिलता है, ऑर्गेज्म बहुत अच्छा आता है और उनको मजा आती है पोर्न देखने के बाद में सेक्स करते हैं। नंबर चार, पोर्न देखने के बाद में लोगों को अच्छा लगता है, फील गुड लगता है, इसलिए करते हैं। और नंबर पांच, लोगों को बहुत सारी एक्साइटमेंट आती है, उत्तेजना आती है पोर्न देखते हैं, और लोग कभी कभी कुछ लोग ऐसे कि सुबह पोर्न देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है सवेरे और मजा आता है। उनको जिनको सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है, जिनको लड़कियों की तरफ देखने की इच्छा नहीं है, तो वो देख के उनको इच्छा हो जाती है, तो एक उत्तेजना लोगों को आती है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें पोर्न के बारे में है कि जो लोगों को फायदेमंद है। अच्छा, औरतों को क्या फायदा है? औरतों को भी यही फायदा है कि उनको भी समाधान मिलता है पोर्न देखते, आनंद आता है, उत्सुकता जो है वो समाधान होता है कि भाई क्या कैसा रहता है सेक्स, उसके बारे में उत्सुकता थी। और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर देखते हैं पोर्न, तो उनको दोनों को भी बहुत मजा आता है, और दोनों फिर वैसा सेक्स करते हैं तो सेक्स में बहुत ज़्यादा आनंद उनको आता है। तो ये हमने देखे पोर्न देखने के फायदे क्या है। क्या फिर पोर्न देखना प्रॉब्लमेटिक है? यस, 4-10% लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इससे हो जाता है, मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है घर वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसा कैसा प्रॉब्लम होता है। एक तो क्या है कि पोर्न एडिक्शन हो गया तो शादीशुदा आदमी, उसके साथ में यदि हस्तमैथुन की लत लग गई, शादी भी नहीं हुई और शादी भी हुई है तभी, क्या होता है कि लोगों को सेक्स करने में इच्छा नहीं होती, और वो पोर्न देखना, हस्तमैथुन करना, तो उधर औरत चिल्लाएंगी कि भाई मेरे साथ में ये करते ही नहीं, आजकल क्या प्रॉब्लम है। तो पोर्न एडिक्शन होने के बाद में मास्टरबेशन करता है तो प्रॉब्लम तैयार हो जाता है। आपको देखना है कि क्या पोर्न एडिक्शन ये बीमारी है? तो वैसे कोई क्लासिफाइड बीमारी नहीं है, मतलब साइकियाट्री में ऐसा कोई क्लासिफाइड बीमारी नहीं है, मगर आप ये बोल सकते हैं कि यस, ये प्रॉब्लमेटिक पोर्नोग्राफी यूज है, कि प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो हम देखेंगे कि अलग अलग 11 प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करता है। नंबर एक तो क्या होता है कि पोर्न देखते देखते डोपामिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है,
और डोपामिन सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, फील गुड। अभी पॉर्न नहीं देखा तो क्या होता है कि डोपामिन का डोज नहीं मिलता, डोपामिन का डोज नहीं मिला तो क्रेविंग शुरू हो जाती है, भूख लगती है डोपामिन की, और उसमें आदमी फिर कैसा कैसा करने लगता है, उसको वो चाहिए ही चाहिए। नंबर एक, डोपामिन सर्च बंद करना पड़ेगा। बंद होता नहीं है, डोपामिन सर्च होता नहीं है तो फिर क्या होता है, क्रेविंग होता है। नंबर दो, धीरे 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 एक टॉलरेंस डेवलप होता है, मतलब सहनशीलता डेवलप हो जाती है कि भाई आज आधा घंटा आपने रोज आधा आधा घंटा देख रहे हैं पॉर्न, फिर क्या होता है कि आधे घंटे में मजा नहीं आता, अभी हो गया टॉलरेंस डेवलप। अब उतनी मजा आने के लिए भी मेरे को पौन घंटा देखना पड़ेगा या एक घंटा देखना पड़ेगा, बड़े मेरे पास में जो लोग आते हैं दो दो चार चार घंटे छः छः घंटे पौन देखते रहते हैं और उनको उसमें भी मजा नहीं है और देखना ऐसा लगता है, तो टॉलरेंस डेवलप होना ही बहुत बड़ी बात होती है। नंबर दो। नंबर तीन, इम्पल्सिविटी लोगों में बहुत ज़्यादा दिखती है, सडनली वो कुछ तो भी करेंगे, सडनली वो पौन देखेंगे, सडनली। तो ये पौन देखने वाले जो एडिक्ट है उनको इम्पल्सिविटी भी देखना, मतलब उनमें देखी गई है इम्पल्सिविटी है, एकदम अचानक कुछ तो भी कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा उनका इम्पल्सिव बिहेवियर देखा गया है। नंबर चार, उनको कंपल्शन होता है पौन देखने का, मतलब वो बार 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 वही करेंगे, बार 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 बार, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस में वो कन्वर्ट हो जाता है, कि वो देखे नहीं तो जमते ही नहीं, देखना ही पड़ता है, और बार बार वो देखे नहीं तो फिर तोड़ फोड़ करेंगे, फेंक फाक करेंगे, उनको देखना ही पड़ेगा क्योंकि कंपल्शन है, वो कंपल्सिव बिहेवियर हुआ है, ओसीडी हो जाता है। नंबर पांच, उनके काम की क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, क्या होता है कि परफॉर्मेंस आपके काम में कम हो गया, घर में बराबर आप बिहेव नहीं कर रहे, ऑफिस में जा रहे, धंधे पानी पे जा रहे, वहां बिहेव नहीं कर रहे, वहां आपकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में मार खाता है। नंबर छह, डिस्फोरिया होता है। डिस्फोरिया मतलब ऐसा है कि बेचैनी या निराशा, ऐसा कुछ भी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगना, और एक नॉट फीलिंग गुड एक आता है, नॉट फीलिंग गुड एक बिहेवियर हो जाता है पॉन देखते नहीं तो, ये डिस्फोरिया प्रॉब्लम हो जाता है। नंबर सात, वो आदमी को ऐसा लगता है यार मेरी विल पावर ठीक नहीं है, मेरी विल पावर बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि कि इच्छा नहीं होते हुए भी उसको पॉन देखना ही पड़ता है, तो वो उसका बुरा असर यह है कि उसकी विल पावर ही नहीं है, उसके विल की जो पावर है टू कंट्रोल समथिंग वो है नहीं, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। नंबर आठ, ये व्यक्ति अकेले रहना चालू कर देता है, लोगों को अवॉइड करेंगे कि उसको तो देखना है पॉन, कमरे में अलग अकेला बैठेगा, रात रात तक जगेगा, फिर नींद नहीं होगी, फिर सुबह लेट उठेगा, फिर प्रॉब्लम है काम में, और अकेले रहना, आइसोलेशन में रहना, फंक्शन में जाने आने का नहीं, क्योंकि उसमें मजा ही आता नहीं, उसको तो वो डोज होना डोपामिन का, और वो अकेले रहना चालू कर देता है। फिर नंबर नौ, उसके लोगों के साथ के रिश्ते जो है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको किससे बात करने की इच्छा नहीं है, किसको मदद करने की इच्छा नहीं है, मदद मांगने की इच्छा नहीं है, लोगों के साथ में रहने की इच्छा नहीं है, तो उसमें रिश्ते में बहुत दूरी आ जाती है, और वो उसका एक प्रॉब्लम हो जाता है पॉन एडिक्शन का। नंबर दस, लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है वो देखते देखते, क्या होता है कि भाई मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, ये इतना ठीक है क्या, फिर छुपा के देखना, फिर किसको मालूम नहीं होना चाहिए, औरत को मालूम नहीं होना चाहिए, तो उससे फिर एंग्जाइटी, या फिर देखता हूँ तो मैं इतना कर नहीं सकता हूँ, कमजोर हूँ, ऐसा मतलब उसके हिसाब से फिर निराशा और चिंता आती है, क्योंकि वो पॉन में जब देखते हैं कि इतना लंबा लंबा लिंग रहता है, 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच, तो वो देख देख के उनको लगता है कि अपना छोटा है, और उससे कितने सारे पेशेंट मेरे पास में आ जाते हैं कि भाई मेरा इतना लंबा नहीं है, अभी मुझे लंबा करने का है, तो वैसा नहीं होता है वो एक्चुअली क्या है बताऊंगा मैं, जस्ट पहले ये खत्म कर देता हूँ। दसवां पॉइंट निराशा और चिंता है, और ग्यारहवां जो है वो है सेल्फ एस्टीम लो होना। सेल्फ एस्टीम लो होना मतलब ऐसा है कि भाई मैं क्या ठीक हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मेरे में कुछ कमजोरी है, आई एम राइट, मतलब इस तरह के सवाल दिमाग में आते हैं, और खुद का सम्मान खुद के नज़र में गिर जाता है, आत्मसम्मान। तो ऐसे अलग 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 प्रॉब्लम से 11 प्रॉब्लम मैंने आपको गिना है कि भाई ये पॉन एडिक्शन से होते हैं। अभी हमको देखना है कि पॉन एडिक्शन जो करते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब देखो पॉन एडिक्शन ये नॉर्मल नहीं है, मतलब पॉन जो शूटिंग करते हैं वो नॉर्मल नहीं है, पॉन जो है वो नॉर्मल फिल्म नहीं है, वो एक फिल्म है, और जैसे भी हम मूवी देखते हैं तो उसमें कैसे एक आर्टिफिशियल रहता है सब कुछ, वैसा आर्टिफिशियल है, स्पेशल इफेक्ट्स दिए जाते हैं, स्पेशल लाइट्स लाइटिंग किए जाते हैं, स्पेशल लोग लाए जाते हैं कि जिनका लिंग बहुत पहले से ही बहुत बड़ा है, सिलेक्ट वैसे वही लोग किए जाते हैं, क्या है कि 1000 में कम से कम 6-7 लोग ऐसे रहते हैं
कि जिनका लिंग बहुत ज्यादा लंबा है उनको ही चूज किया जाता है उसमें एक्टिंग के लिए। फिर वो औरत ने चीखना चिल्लाना, आदमी ने कुछ बोलना, मतलब ये सब तरह का सब ड्रामा पार्टी चालू है और लोगों को एक्साइट होने में जो भी करना पड़ता वो करते हैं। तो ये सब करके मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, इस तरह का सेक्स, इस तरह का मजा आता ही नहीं करके औरत भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, औरत दिखती है तो और आदमी भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं इतना ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा चालू है और इतना लंबा है तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं और बहुत लोग अपने आप को कोसते हैं, हमारे पास में आते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सब पौन देखने के है और फिर उसके लिए करना क्या है ये हम देखेंगे, ये करना क्या फिर इसके लिए, तो उसके तरफ मैं भी आ रहा हूँ। तो फिर पौन एडिक्शन के लिए करे क्या, ये आपका सवाल होगा तो उसको बताता हूं मैं। 8 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं मैं, 8 बातें। नंबर 1, जितने भी आपके पास में कुछ उसके लिंक्स हो जो भी कुछ हो तो वो डिलीट कर डालो, पूरा डिलीट कर डालो मोबाइल में से, ताकि बार 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 लिंक के ऊपर क्लिक करना है ना, वेबसाइट्स की लिंक हो या जो भी कुछ है डिलीट। तो डिलीट करेंगे तो फिर वो बार बार फटाक से एक उंगली के ऊपर आ गया भाई फोन, वैसा होगा नहीं, आपको तकलीफ लगेगी फिर लाना है तो। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तैयार करो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब होता है कि आपके साथ में जो हरदम रहता है, आपको जो होल्ड टू अकाउंट करेगा, आपकी जो गर्दन पकड़ेगा, उसको बोलो कि अभी मैं आज का दिन फोन देखने वाला नहीं हूं, उसको बोलो और उसके साथ में ट्रुथफुल रहो। समझो आप वो आपका जबान तोड़ते हो, प्रॉमिस तोड़ते हो, उसको बोलो मैं आज तोड़ दिया प्रॉमिस, और तोड़ दिया तभी नया क्या प्रॉमिस है वो उसको बताने का है। मतलब आपको होल्ड टू अकाउंट करने वाला एक पार्टनर है, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, और वो आपके साथ में होना जरूरी है। जो आपको सवाल पूछेगा, जो आपका प्रॉमिस के आपको याद दिलाएगा। नंबर 3, पॉन ब्लॉकर एप्स जो है, पॉन ब्लॉकर एप्स मिलते हैं कि जो ऐप आप उतारते हो तो वो पॉन ब्लॉक कर देंगे और फिर आपको दिखेंगे ही नहीं। अब इसमें भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर काम में आएगा क्योंकि आप खुद फिर चालू कर लेंगे, आप भी खुद चालू करेंगे, आपका ही फोन है तो एक बार वो ऐप लगा दिया ब्लॉकर ऐप, आप उसको निकाल देंगे डिलीट कर देंगे तो प्रॉब्लम है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो भी देखेगा कि पॉन ब्लॉकर ऐप आपने वापरी है क्या। नंबर 4, आप क्यूज देखते रहो। क्यूज मतलब कोई ऐसे क्यूज इशारे मिलते हैं क्या कि भाई अभी, मतलब क्या होता है कि पॉन सडनली देखता नहीं आदमी, उसके पहले कुछ इशारा मिलता है आपको। इशारा कौन सा मिलता है? चेस में सेंसेशन हो जाएगा, हार्ट बीट हो जाएगा यदि आप पॉन देखते नहीं तो, घबराहट होंगी, हाथ कांपेंगे, बेचैनी रहेंगे, कुछ तो भी अलग बॉडी सेंसेशन रहेगा, इच्छा हो जाएगी कि नहीं वो करना है वो करना है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ देखो कि आपको क्या हो रहा है पॉन देखते नहीं तो, और वो लिखो। और जैसे ही वो होना चालू हो जाएगा तो अलार्म लगना चाहिए, अरे वो पॉन का अपने को देखने का भी टाइम आ गया है, अरे ये अपने को गड़बड़ हो रही है कुछ तभी, अभी मुझे पॉन देखना पड़ेगा। तो ये मेरे को क्यूज, ये सिग्नल्स मेरे को मिल गए, वो सिग्नल पकड़ने का है, वो लिख के रखो सिग्नल्स। और जैसे ही वो सिग्नल मिलते हैं तो नंबर 5, आपने क्या करना है, जगह छोड़ना है, बाहर घूमने चले जाओ, दोस्तों को कॉल करो, जिसके ऊपर आप प्यार करते हो उसके साथ में कॉल करो, कुछ किताब पढ़ो, बगीचे में जाओ, गार्डनिंग करो, आपकी जो भी कोई हॉबी होंगी तो वो हॉबी को परस्यू करो, एक्सरसाइज करो, ऐसे कुछ भी आपने करना है कि जिसमें आपका मन बह जाएगा और आपको याद नहीं आएंगे। नंबर 6, आपने अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। इसके सब होने के बाद में भी आप फिर से पॉन देखते हैं तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ, ठीक है भाई मैंने बोला था, मैंने प्रॉमिस किया था तभी मैंने पॉन देख लिया है, तो ब्लेम नहीं करना है। और नंबर 7, अपने प्रति दयालु बनो और एक प्यार भरा इंसान बनो, अपने आप को माफ करो, ठीक है भाई मेरे से नहीं हो रहा है ओके, और फिर दूसरा प्रॉमिस देना है। तो बी कंपैशनेट, करुणा, प्यार अपने प्रति कि ठीक है मुझे आदत है, ये बीमारी है एक तरह की, ऐसा समझ के अपना इलाज करना है। नंबर 8, कुछ दवाई का सहारा आप ले सकते हैं, आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो, SSRI टाइप की जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराहट हो तो बेंजोडाइजिपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दवाई का कोई सहारा आप लेते हो तो बार 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 जो कंपल्शन होता है देखने के लिए वो कंपल्शन कम हो जाएगा। तो ये आप सब करते हैं तो डेफिनेटली पॉन एडिक्शन में फ़ायदा होगा। मैंने आपको पूरा बताया कि पॉन एडिक्शन से फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, पॉन क्यों देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर इलाज क्या है। आज का बहुत ज्वलंत विषय है,
ये आप लोगों को शेयर करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पॉर्न देखते होंगे, अपना टाइम बर्बाद करते होंगे, तो उनका टाइम भी बचेगा, उनका सेक्स लाइफ भी अच्छा हो जाएगा और वो आपको दुआ देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को जरूर शेयर करो, लाइक करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।